आनंद शिल्पी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 31-32 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदय माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं भी उन्हीं बातों को दोहराऊं जिन्हें पहले कहा जा चुका है, क्योंकि समान प्रश्नों की समान परिस्थितियों में समान ही उत्तर होंगे। केवल इस सदन में ही नहीं, मैं सर्वत्र आलोचना का स्वागत करती हूँ। मैं इसे बहुत अधिक प्रेरक पाती हूँ। एक अविश्वास प्रस्ताव में हम क्या देखना चाहते हैं? हम इसमें एक वैकल्पिक नीति, की रूपरेखा देखना चाहते हैं जिस पर सरकार कार्यान्वयन कर सके। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि केवल एक वैकल्पिक नीति के स्थान पर उतनी वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दिया जाता है जितनी पार्टियां होती हैं, और कभी कभी एक ही पार्टी की जितनी समस्याएं हो उतनी ही वैकल्पिक नीतियां होती है, तो उस स्थिति में मेरी राय में अविश्वास प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं होता। वस्तुतः विपक्ष के माननीय सदस्यों में जो एकमात्र समानता है वह यह है कि कांग्रेस शब्द के उल्लेख मात्र से उनमें एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। पैरा, पिछले आम चुनावों में भिन्न विचारों वाली सरकारों का निर्माण हुआ। यह सदन जानता है कि मैंने इन सरकारों के निर्माण का स्वागत किया। मैंने सार्वजनिक रूप से इनका स्वागत किया और मुख्यमंत्रियों से अपनी भेंट में भी इनका स्वागत किया। मेरा यह कार्य पार्टी के संकीर्ण उद्देश्यों से प्रेरित नहीं था। मैं विश्वासपूर्वक यह अनुभव करती थी कि हमारी संघ व्यवस्था इस बदली राजनीतिक स्थिति के अनुरूप सिद्ध होगी। इनका तख्ता उलटने के प्रयासों को हतोत्साहित करने के लिए मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में और मेरे सहयोगियों ने अपने संबंधित विभागों में इन सरकारों को केवल प्रभावशाली ढंग से काम ही नहीं करने दिया, बल्कि उन्हें हर संभव सहायता दी, क्योंकि हमारा विश्वास था कि इस प्रकार हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकेंगे। यदि इन सरकारों की सब मांगों को पूरा नहीं किया जा सका तो इसका कारण यह नहीं था कि हम इन्हें पूरा नहीं करना चाहते थे, बल्कि यह कारण था कि हमारे सामने बड़ी सच्ची कठिनाइयां थी। साधनों की कमी, अनाज की कमी थी और अन्य चीज़ों की कमी थी। केवल गैर कांग्रेसी सरकारों को ही इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों को भी ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये सरकारें भी हमारे ऊपर उनके हितों का ध्यान न रखने का दोष लगा रही है। इस सदन में और बाहर भी हमारे ऊपर इस बात का दोष लगाया गया है कि हम गैर कांग्रेसी सरकारों की और अधिक ध्यान दे रहे हैं, और हमने कांग्रेसी राज्यों के लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वे अपनी कठिनाइयों के बारे में शोर नहीं मचाते। पैरा, दूसरी ओर हमें क्या देखते हैं? गैर कांग्रेसी सरकारें उन सब बातों का दोष निरंतर केंद्र को देती रही जो उनके राज्यों में
गलत रूप से हुई विभिन्न पार्टियों की सरकारों की इस व्यवस्था को सफल बनाने का प्रयास प्राय एक तरफा ही रहा। पैरा महोदय, हमने न्यूनतम कार्यक्रम, विचित्र गठबंधन, मिलीजुली सरकारों और ऐसी ही बातों को देखते जो अच्छी और बुरी दोनों थी, लेकिन हम यह चाहते थे कि लोग स्वयं इन बातों पर निर्णय करें। आज भी हमारी यही नीति है, लेकिन जब मिलीजुली सरकारों के आंतरिक तनाव और मतभेद अव्यवस्था को जन्म दें, तब इन सब बुराइयों का दोष केंद्र के मत्थे नहीं मढ़ा जाना चाहिए। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि जिस प्रकार दल बदलने की प्रवृत्ति बढ़ी है, उससे हमारे राजनीतिक जीवन को आघात पहुँचा है और इससे लोकतंत्रीय प्रणाली की बदनामी हुई है। हम सब लोग जो देश और लोकतंत्र का हित विचारते हैं, इस बात से निश्चय ही चिंतित होंगे कि एक पार्टी के कार्यक्रम पर निर्वाचित प्रतिनिधि और एक पार्टी की विचारधारा के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि इस तरह दल बदले, दूसरे दलों में शामिल हो और वापस आने अपने दलों में लौट जाएं, और यहाँ तक स्पष्ट करने का कष्ट न उठाए कि किन राजनीतिक सिद्धांतों के कारण उन्होंने इस प्रकार का दल बदला था। हम सब लोग, इस सदन के दोनों पक्ष के लोग इसकी अवश्य निंदा करेंगे। पैरा, मैं समझती हूँ कि यह दोष सही नहीं है कि किसने यह काम शुरू किया, कब किया, कैसे किया और कहाँ किया। हमें अब भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए और इस पर इस प्रकार विचार करना चाहिए जिससे हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था और मजबूत हो। माननीय सदस्य ने अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण भाषण किया है, लेकिन अपने इस भाषण के दौरान, जैसा कि आपने शायद ध्यान दिया हो, उन्होंने स्वयं कहा कि उनकी दल संयुक्त मोर्चे के भीतर राष्ट्र विरोधी शक्तियों से संघर्ष करने की तैयारी कर रहा है। यह शब्द मेरे नहीं है, ये वे शब्द हैं जिन्हें अभी 5 मिनट पहले इस सदन ने माननीय सदस्य से सुना। पश्चिमी बंगाल में कौन हिंसा की बात कह रहा है? आज नहीं, जब ये घटनाएं हुई हैं, बल्कि इससे महीनों पहले कौन यह बात कहता रहा है? हम सब लोग समाचार पत्रों में प्रकाशित भाषणों को पढ़ते रहे हैं। स्पष्टतया माननीय सदस्य को इस मामले के बारे में कहीं अधिक अंदरूनी जानकारी है, क्योंकि हमें केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से ही यह जानकारी मिली है। हमने ऐसे समाचार पत्र पढ़े हैं कि एक मंत्री ने कहा कि जो लोग दल बदलेंगे उनकी खाल खींच ली जाएगी, लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। पैरा, मेरे सहयोगी मुख्यमंत्री का वक्तव्य पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि उन्हें यह वक्तव्य पढ़ने दिया जाता, क्योंकि यह बहुत ही अधिक जानकारी देने वाला है। मैं स्वयं इस वक्तव्य को पढ़ना पसंद करती, लेकिन समय बहुत कम है, अतः मैं इसका केवल एक वाक्य ही पढ़ूंगी। इस
वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि वामपंथी कम्युनिस्टों का अत्यधिक निराशा से भरे षड्यंत्र का आरोप निराधार है। मैं सदन को यह स्मरण दिलाना चाहती हूँ। विराम।